इस न्यूज के प्रायोजक हैं अर्थ डायग्नोस्टिक मधुबन उदयपुर। उदयपुर शहर में आयोजित होने वाली शहर के सबसे बड़े उत्सव में इस बार फिर से महिला गोविंदाओं की टीम शामिल होने वाली है। कृष्ण जन्माष्टमी में दही हांडी प्रतियोगिताएं शहर में कई जगह पर आयोजित की जा रही हैं। इनमें 28 अगस्त को जगदीश मंदिर की ओर से होने वाली प्रतियोगिता में महिला गोविंदाओं की टीम भी पुरुषों की टीम को टक्कर देते हुए नजर आएगी। इस टीम में करीब 31 महिला गोविंदा, जिनमें मीनाक्षी ग्रासिया, कंचन, डिम्पल जो लेडी पेट्रोल टीम में है, वहीं कमला मीणा रिजर्व पुलिस लाइन में है और हीना मीणा धानमंडी थाना में है। बाकी कई महिलाएं सरकारी भर्ती की तैयारी कर रही हैं। इस टीम की लीडर मीनाक्षी ग्रासिया ने बताया कि दूसरा साल है जब वे महिलाओं की टीम मटकी फोर प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं। पिछले साल भी वे मटकी तक पहुंच गए थे लेकिन फोर नहीं पाए, लेकिन इस साल पहले से ज्यादा उत्साहित हैं और ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं ताकि इस बार मटकी को फोर ही दें। मीनाक्षी ने बताया कि वे गार्डन में जाकर रोज सुबह 3 से 4 घंटे अभ्यास कर रहे हैं। बारिश के कारण पिरामिड बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है क्योंकि अभी सुरक्षा के लिए उपकरण उनके पास नहीं है, लेकिन सभी लड़कियां पूरी मेहनत कर रही हैं और उम्मीद है कि इस बार मटकी फोड़ का लक्ष्य पूरा करेंगी। उदयपुर शहर के जगदीश मंदिर प्रांगण में होने वाला ये शहर का सबसे बड़ा आयोजन है। इसे करीब 25 फीट ऊंची मटकी को बांधा जाता है। इसमें शहर के विभिन्न हिस्सों से कई टीमें शामिल होती हैं। इस नदी का उत्सव को लेकर शहरवासियों में, यहां आने वाले पर्यटकों में खासा उत्साह नजर आता है। मेरा नाम मीनाक्षी गरासिया है और इस बार मटकी फोड़ का जो कार्यक्रम है उसमें हमने पार्टिसिपेंट करा है। सेकंड बार है, महिलाओं की टीम कर रही है जगदीश चौक। इसमें तैयारी हम कर रहे हैं 5-6 दिन से और समथिंग 25 से 30 लड़कियां हैं और काफ़ी उत्साह है। हम जोश हवा के साथ हम जाएंगे इस बार तैयारी के साथ और काफ़ी मज़ा आ रहा है हमको और तैयारी भी अच्छी है और उम्मीद है कि हम फोड़ें और पुरुषों की टक्कर को हम अच्छे से उसका मुकाबला करेंगे। हमारी टीम रेडी है।